पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक स्कूल टीचर द्वारा मासूम छात्रा को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। बच्ची के परिजनों के मुताबिक टीचर की पिटाई से छात्रा के कान से खून बहने लगा, लेकिन उन्हें मामले की जानकारी देने के बजाय पीड़ित छात्रा को स्कूल में ही रोके रखा गया। छुट्टी के वक्त परिजन स्कूल पहुंचे तो उन्हें मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल प्रधानाचार्य से शिकायत। प्रधानाचार्य द्वारा परिजनों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद परिजन छात्रा को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और उसका मेडिकल प्रशिक्षण कराया गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के आजाद नगर स्थित नेहरू जूनियर हाई स्कूल में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई, जब कक्षा 2 में पढ़ने वाली छात्रा के परिजनों ने एक टीचर पर मारपीट का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप था कि कक्षा 2 में पढ़ने वाली इशिका सिंह को आज स्कूल में टीचर ने जमकर पीटा और पिटाई से उसके कान से खून भी बहने लगा। स्कूल प्रशासन द्वारा छात्रा के जख्मी होने की सूचना परिजनों को नहीं दी गई और न ही बच्ची का इलाज कराया गया। छुट्टी के वक्त इशिका की मां उसे लेने स्कूल पहुंची तो उन्हें मामले की जानकारी हुई। स्कूल टीचर की शिकायत प्रधानाचार्य से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर परिजन बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने जिला अस्पताल में बच्ची का मेडिकल प्रशिक्षण कराया, साथ ही पुलिस से मामले की शिकायत की। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने छात्रा का मेडिकल प्रशिक्षण कर रिपोर्ट परिजनों को सौंप दी है। पीड़ित छात्रा के परिजनों को तहरीर पर आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सीओ सिविल लाइन के मुताबिक जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा बच्ची का मेडिकल प्रशिक्षण करने का भी दावा कर रही है। स्कूल प्रशासन पूरे मामले पर कैमरे के सामने कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। कौन से स्कूल में पढ़ती है? क्या हुआ था, किस वजह से उन्होंने पीटा था आपको? जब भी सर नहीं हुआ तो सही से तो हम नेट में 3 चीज याद करने के लिए दी थी, इसलिए नहीं। तो आप सुना नहीं पाई थी इसलिए पीटा आपको? क्या कारण? नेहरू जूनियर हाई स्कूल। क्या हुआ आज? वही पढ़ाई के वजह से इसको मारा था मैडम ने। अब ये वहाँ पे ये भी नहीं बताया फ़ोन करके कि इसको मार के खून निकला, कान को चोट लगी है, बताया भी नहीं। वहाँ पे फ़ोन करके घर पर बता देते और वहीं पे बिठा कर ना दवाई वाई दिलवाई कुछ भी नहीं, वहाँ पे आराम से बिठा कर रखा है स्कूल में। जब 2 बजे मैं गई हूँ तब जाके इसको मैं लेके आई हूँ। तो क्या बताया बच्ची ने, क्या क्या बजे थी जो? भाई पढ़ाई की वजह से मैंने प्रिंसिपल से शिकायत करी मैंने, तो वो भी मुझको और उतर चिल्लाने लगी, कह रही कि यहाँ पर ज़्यादा वो मत करो, मतलब ज़्यादा जोर लो मत, कि तुम्हारी लड़की से किसी ने भी कुछ ना कही है, इस हिसाब से उल्टा सीधा बोल रही हूँ। इतनी ज़ोर ज़ोर से उसके गाल पर थप्पड़ मार रहे हैं, खून निकल रहा है। क्या चाहती हैं आप? ये मामला है कि एक स्कूल है, नेहरू जूनियर स्कूल है, उसमें एक पढ़ती हैं स्टूडेंट, उनके साथ उनके टीचर ने मारपीट की और फिर उसकी जब शिकायत की उनके परिवार वालों ने तो उनकी प्रधानाचार्य के साथ भी बहस हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने थाने पे तहरीर दी है, उसके बेसिस पे NCR दर्ज हुई है संगत धाराओं में और बाकी उसमें जाँच की जा रही है, जो विवेचना उसमें रहेगी उसके बेसिस पे जो भी परिणाम आएंगे वो आगे कार्रवाई होगी। घायल बच्ची है, क्या मेडिकल परीक्षण भी किया कराया गया है? हाँ, मेडिकल परीक्षण करवाया गया है। मेडिकल परीक्षण के बेसिस पे जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से जो सुसंगत धाराएं लगेंगी वो लगाई जाएंगी।